हाय गाइज, वेलकम बैक अगेन। और इस वीडियो में हम बात करेंगे HSG रिपोर्ट को आप कैसे पढ़ सकते हो इसके बारे में। अभी HSG होता क्या है? तो HSG का मतलब होता है हाइस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी। हाइस्टेरो का मतलब होता है यूट्रस, मतलब कि बच्चादानी, और साल्पिंजो जो वर्ड है वो रिलेटेड है फैलोपियन ट्यूब से। तो यहाँ पे, और ग्राफी का मतलब होता है देखना। तो यहाँ पे बच्चादानी है और उसकी जो नली होती है, इन दोनों को जिस टेस्ट से देखते हैं इसको बोलते हैं हाइस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी। हाइस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी है वो एक प्रकार का एक्सरे है। ऐसे कैन्यूला से जो कंट्रास्ट मटेरियल होता है, एक प्रकार की डाई होती है, एक लिक्विड होता है, वो इंजेक्ट करते हैं यूट्रस में, बच्चादानी में, और फिर उसको देखते हैं। फिर यहाँ पे यूट्रस है, उसमें कोई मास है, या फिर यूट्रस का उसका आकार कैसा है, ऐसे कंजेनाइटली एनोमलीज रहती है, कंजेनाइटली वो उसके अलग अलग शेप रहते हैं, इस तो उनको देखते हैं। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे जो नली है, फैलोपियन ट्यूब होता है, उसमें कहीं पे ब्लॉकेज की कंडीशन तो नहीं है, उसके अंदर कहीं पे पानी तो नहीं भरा है, वैसी कंडीशन होती है, इसको हाइड्रोसाल्पिंक्स बोलते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें रुकावट की वजह से इनफर्टिलिटी होता है, यहाँ पे बच्चा कंसीव करने में प्रॉब्लम रहता है, तो ये सभी देखने के लिए ये टेस्ट होता है। HSG की रिपोर्ट को पढ़ने से पहले यहाँ पे आपको उसका एनाटॉमी पता होना चाहिए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है तो वो कैसे होते हैं। तो यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो, ऐसे उल्टा जो नाशपति होता है, पियर शेप का बच्चादानी होता है, और उसके ऊपर ऐसे दो नलियाँ होती है जिनको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, राइट साइड की और लेफ्ट साइड की ऐसे फैलोपियन ट्यूब्स रहती है। ये जो फैलोपियन ट्यूब है उनके अंत के हिस्से पे ऐसे फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं, मतलब ऐसे उंगलियाँ जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको बोलते हैं फिब्रियल, जिन या फिब्रिया बोलते हैं, और ऐसे ओवरीज रहती है, अंडाशय रहते हैं जहाँ से अंडा बनता है। नॉर्मली क्या रहता है कि यहाँ पे अंडाशय से अंडा बनता है, फिर वो फिंगर जैसे फिब्रिया से वो कैच होता है, और फिर वो फैलोपियन ट्यूब से, वो नली है उससे यूट्रस की ओर आता है, और यहाँ पे वजाइना से यूट्रस, बच्चादानी से जो स्पर्म होता है वो सेक्स के बाद वो ऐसे आगे जो फैलोपियन ट्यूब होता है उस तरफ आता है, और बीच में वो ऐसे मिलके फिर उनका फर्टिलाइजेशन होता है। फिर वो जो एम्ब्रियो है वो नीचे के हिस्से की ओर आता है यूट्रस में, बच्चादानी में, और फिर वहाँ पे उसका स्थापन होता है, और फिर वो वहाँ पे ग्रो होता है, वहाँ पे बढ़ता है। बात करते हैं कि आप हाइस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी किस किस कंडीशन को जानने के लिए, किस किस कंडीशन में करवा सकते हो। तो उसमें देखो, पहली चीज़ है इनफर्टिलिटी, अगर आप में बच्चा कंसीव करने में प्रॉब्लम रहती है तो आप ये टेस्ट करवा सकते हो। दूसरी चीज़ यहाँ पे ट्यूबल पैटेंसी को देखने के लिए, मतलब कि जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें कहीं पे ब्लॉकेज है तो नहीं, वो देखने के लिए। उसके अलावा देखे तो जो यूट्रस है उसकी कंजेनाइटल एनोमलीज जो रहती है, मतलब कि जन्म से ही जो यूट्रस है, बच्चादानी है, उसका आकार अलग अलग रह सकता है, उसमें ऐसा यूनिकॉर्नूट रह सकता है, मतलब कि एक ही तरफ का ऐसे यूट्रस हो, बच्चादानी है वो एक ही तरफ का ऐसा हो। देन ऐसे बायकॉर्नूट देखने को मिल सकता है, ऐसे दिल के जैसा हार्ट शेप देखने को मिलता है, बायकॉर्नूट जिसको बोलते हैं, तो ऐसे दो बच्चादानी देखने को मिल सकते हैं। देन यहाँ पे ऐसा एरकट जैसा, एरकट शेप का भी यूट्रस देखने को मिलता है, जहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो, ऐसे छोटा सा यूट्रस का जो ऊपर का हिस्सा होता है, बच्चादानी का ऊपर का हिस्सा होता है, उससे ऐसे एक फोल्ड जैसा उभार देखने को मिलता है, तो उसको बोलेंगे एरकट शेप। देन यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो, ऐसे सेप्टेट यूट्रस भी देखने को मिलता है, तो जिसमें क्या रहता है कि ऐसे जो यूट्रस है, बच्चादानी है, उसमें बीच में से ऐसे पर्दा, सेप्टेट मतलब कि एक पर्दा, ओके, तो ऐसे पर्दा है, वैसा यूट्रस देखने को मिल सकता है। यहाँ पे कभी कभार क्या रहता है कि ऐसे यूट्रस जो है, बच्चादानी है, वो एब्सेंट होता है, उसमें देखने को ही नहीं मिलता, तो ये भी कंडीशन रह सकती है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के कंजेनाइटली एनोमलीज रह सकते हैं जो बच्चादानी है उसका। उसके अलावा देखें तो बच्चादानी की जो साइज है वो बड़ी तो नहीं है, वो देखने को मिलता है, जैसे बल्कि यूट्रस है, बल्कि यूट्रस किन किन कंडीशन में देखने को मिलता है, तो उसमें देखो, अगर फाइब्रॉइड की कंडीशन होगी, यूट्राइन फाइब्रॉइड जिसको रसोली बोलते हैं, तो ऐसे फाइब्रॉइड्स बन जाते हैं, तो उस कंडीशन में बड़ी हुई मिल सकती है, प्रेगनेंसी की कंडीशन में बड़ी हुई मिल सकती है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे जो एडेनोमायोसिस की कंडीशन होती है, एडेनोमायोसिस क्या होता है, तो उसको समझने के लिए, जो यूट्रस होता है उसके तीन लेयर होते हैं, तीन परत होती है, जिसमें पेरीमेट्रियम जो बाहर का होता है, देन
मायोमेट्रियम बीच का होता है और एंडोमेट्रियम अंदर का होता है। तो ऐसे जो बच्चादानी है उसकी दीवार है वो ऐसे तीन लेयर से बनी हुई होती है। एडेनोमायोसिस की कंडीशन में क्या रहता है कि जो अंदर की एंडोमेट्रियम का जो टिश्यूज होता है, अंदर की परत का जो टिश्यूज होता है, कोशिकाएं होती है, वो यहाँ पे बीच के हिस्से में देखने को मिलती है, बीच के हिस्से में डेवलप होती है, तो उसको बोलेंगे एडेनोमायोसिस की कंडीशन। तो उस कंडीशन में भी यहाँ पे बड़ा हुआ मिल सकता है जो यूट्रस है वो। तो ये सभी देखने के लिए भी ये टेस्ट करते हैं। देन यहाँ पे पॉलिप की कंडीशन है यूट्रस की, बच्चादानी की, तो उसको देखने के लिए पॉलिप क्या होता है, तो ऐसे ग्रोथ बन जाना, तो उस कंडीशन में। उसके अलावा देखे तो यहाँ पे एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन होती है। एंडोमेट्रियोसिस मतलब क्या, तो जो एंडोमेट्रियम की टिश्यूज़ है बच्चादानी की, अंदर के लेयर की जो टिश्यूज़ है वो बाहरी ओर ग्रो होती है, वो कहीं पे जैसे कि ट्यूबल, जैसे कि फेलोपियन ट्यूब में भी डेवलप हो सकती है और उसकी वजह से ब्लॉकेज रह सकता है। बार बार आप में अबॉर्शन की कंडीशन रहती है, मिस कैरेज होता है, तो उस कंडीशन में करवा सकते हो। पोस्ट ऑपरेटिव जैसे कुछ सर्जरी के बाद देखने के लिए कि वहाँ पे प्रॉपर हुई है या फिर नहीं, तो उसमें जैसे कि महिला की नसबंदी होती है जहाँ पे जो फेलोपियन ट्यूब है उसको बंद कर देते हैं, तो उस कंडीशन में उसको प्रॉपरली बंद हुआ है या फिर नहीं वो देखने के लिए। उसके अलावा देखे तो नली है उसको वापस से ओपन करने के लिए भी सर्जरी करते हैं, तो वो प्रॉपरली खुला है या फिर नहीं, तो उसको देखने के लिए भी ये टेस्ट करते हैं। उसके अलावा देखे तो यहाँ पे टीबी की कंडीशन है अगर, उसके अलावा देखे तो कैंसर की कंडीशन है, तो भी ये टेस्ट करते हैं। बात करते हैं कि आप HSG की रिपोर्ट को कैसे पढ़ोगे। तो यहाँ पे आप इमेज भी देख सकते हो, इसमें लिखा है यूट्रस इज नॉर्मल इन साइज, तो यहाँ पे यूट्रस बच्चादानी है उसकी नॉर्मल साइज है। देन यहाँ पे लिखा है नो स्पिलेज ऑफ डाई सीन इन बोथ फेलोपियन ट्यूब्स। अभी स्पिलेज क्या होता है, जो हम डाई इंजेक्ट करते हैं, अगर आपकी जो फेलोपियन ट्यूब है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि वो ऐसे प्रॉपर है, उसमें कोई ब्लॉकेज नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, तो क्या रहेगा कि जो डाई इंजेक्ट करते हैं वो ऐसे बाहर निकल जाएगी, जो फिब्रियल होता है, पार्ट होता है उससे, मतलब कि वो ऐसे जो पेरिटोनियम का हिस्सा होता है उसमें वो ऐसे फैल जाता है, तो ये देखने को मिलता है आपको, स्पिलेज देखने को मिलता है, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है वो दर्शाता है। तो यहाँ पे इस रिपोर्ट में लिखा है नो स्पिलेज ऑफ डाई सीन इन बोथ फेलोपियन ट्यूब, मतलब कि यहाँ पे जो डाई इंजेक्ट कर रहे हैं वो बाहर नहीं निकल रही, तो यहाँ ब्लॉकेज है, ओके, जो फेलोपियन ट्यूब है उसमें रुकावट है। देन आगे इस रिपोर्ट में आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है डाई इज सीन फिलिंग द यूट्रस, मतलब कि जो यूट्रस है इसमें जो डाई है वो देखने को मिला है। उसके अलावा देखिए तो यहाँ पे लिखा है यूट्रस अपीयर नॉर्मल इन साइज शेप एंड पोजीशन, मतलब कि जो यूट्रस है बच्चादानी है उसकी साइज प्रॉपर है। उसके अलावा देखे तो उसका शेप है, आकार है, वो प्रॉपर है। देन पोजीशन वो भी प्रॉपर है, मतलब कि ऐसे पोजीशन मतलब क्या कि जो यूट्रस है बच्चादानी है वो उल्टा तो नहीं है, जिसको बोलते हैं रिट्रोवर्टेड यूट्रस। बाय द वे जो रिट्रोवर्टेड यूट्रस है वो इनफर्टिलिटी नहीं कर। देन यहाँ पे लिखा है लेफ्ट फेलोपियन ट्यूब कुड नॉट बी विजिबल विजुअलाइजेड, मतलब कि यहाँ पे जो लेफ्ट तरफ का जो फेलोपियन ट्यूब है, जो नली है, वो नहीं दिख रहा, तो इसमें प्रॉब्लम रह सकता है यहाँ पे लेफ्ट तरफ की जो फेलोपियन ट्यूब है उसमें। देन यहाँ पे लिखा है देर आर नो फ्री पेरिटोनियल स्पिलेज ऑफ द कॉन्ट्रास्ट सीन ऑन आइदर साइड, मतलब कि दोनों तरफ यहाँ पे जो स्पिलेज है वो देखने को नहीं। जो यूट्रस है वो नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे लिखा है राइट पार्शियली ब्लॉकेड फेलोपियन ट्यूब, मतलब कि राइट साइड की थोड़ी मात्रा में ब्लॉकेज है यहाँ पे, राइट तरफ की जो फेलोपियन ट्यूब है उसमें, और लेफ्ट तरफ की जो फेलोपियन ट्यूब है उसमें ब्लॉकेज है। देन आगे इस रिपोर्ट में आप देख सकते हो यहाँ पे डायरेक्ट इंप्रेशन में लिखा है नॉर्मल यूट्रस विथ BL, BL का मतलब होता है बायलेटरल ब्लॉकेड फेलोपियन ट्यूब, मतलब कि दोनों तरफ की जो फेलोपियन ट्यूब है, नली है, वो ब्लॉकेज है। तो इस रिपोर्ट में आप देख सकते हो उस ऊपर लिखा है प्रोसीड्यूर, मतलब प्रोसीड्यूर, और यहाँ पे लिखा है सर्वाइकल ओपनिंग वॉज कैन्यूलेटेड बाय द गायनेकोलॉजिस्ट एंड वाटर सॉल्युबल कॉन्ट्रास्ट वॉज इंजेक्टेड, यहाँ पे डाई इंजेक्ट किया है, ये सब लिखा है। देन यहाँ पे कंपेरिजन में लिखा है यूट्रस फील नॉर्मली, यहाँ पे यूट्रस नॉर्मल है विथ नो एविडेंस ऑफ द काउंटर एबनॉर्मली सेप्टम स्ट्रिक्चर मास बाय कॉर्नोड कन्फिगरेशन, मतलब कि यहाँ पे सेप्टम की कंडीशन नहीं है, कंजेनेटली जो एनोमलीज हमने आगे डिस्कस किया वो सब नहीं है। उसके अलावा देखे तो मास की कंडीशन नहीं है, कोई फाइब्रॉइड की कंडीशन नहीं है, स्ट्रिक्चर नहीं है। इसके अलावा देखे तो यहाँ पे लिखा है द लेफ्ट ट्यूब इज नॉर्मल एंड द पैटेंट विद द रैपिड स्पिलेज ऑफ द कॉन्ट्रास्ट इन टू द पेरिटोनियम, मतलब कि लेफ्ट तरफ की जो फेलोपियन ट्यूब है वो नॉर्मल है, पैटेंट है, खुली हुई है। उसके अलावा देखे तो यहाँ पे लिखा है नो ओपेसिफिकेशन ऑफ द राइट ट्यूब और द स्पिलेज ऑफ द कॉन्ट्रास्ट। यहाँ पे ओपेसिफिकेशन मतलब क्या, तो ओपेसिफिकेशन मतलब कि जो डाई इंजेक्ट करते हैं फिर वो एक्सरे निकालते हैं,
तो उसमें चमकीला देखने को मिलता है तो उसको बोलते हैं ओपेसिफिकेशंस। तो यहाँ पे राइट साइड का ओपेसिफिकेशन देखने को नहीं मिल रहा, मतलब कि राइट साइड में कुछ प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे इंप्रेशन में लिखा है ब्लॉकेड राइट ट्यूब, मतलब कि राइट तरफ की जो फैलोपियन ट्यूब है, नली है, उसमें ब्लॉकेज है। और लिखा है पेटेंट लेफ्ट ट्यूब, मतलब कि जो लेफ्ट तरफ का फैलोपियन ट्यूब है, नली है, वो पेटेंट है, खुला हुआ है। आगे इस रिपोर्ट में आप देख सकते हो, यहाँ पे हम डायरेक्ट कंक्लूजन के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे लिखा है एब्रप्ट टर्मिनेशन ऑफ द राइट फैलोपियन ट्यूब विथ हाइड्रोसाल्पिंग्स। अभी हाइड्रोसाल्पिंग्स क्या होता है? तो हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, पानी, और साल्पिंग्स का मतलब होता है फैलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पे क्लियर फ्लूड, मतलब कि पानी जैसा प्रवाही यहाँ पे जो फैलोपियन ट्यूब है, नली है, उसमें इकट्ठा हुआ है। तो हाइड्रोसाल्पिंग्स की कंडीशन भी यहाँ पे इनफर्टिलिटी को कर सकता है। आगे यहाँ पे इस रिपोर्ट में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट कंक्लूजन पे लिखा है यूट्रस शो टू यूट्राइन कैविटी विद द सिंगल मायोमेट्रियम आउटलाइन, राइट कॉर्निया इज कनेक्टेड टू द सर्वाइकल कैनल एंड लेफ्ट कॉर्निया इज कनेक्टेड टू द राइट कॉर्निया। तो यहाँ पे लिखा है पिक्चर ऑफ द बाइकॉर्नूट यूट्रस। हमने आगे बोला बाइकॉर्नूट यूट्रस क्या होता है, तो यहाँ पे वो देखने को मिला है। तो ऐसे जो HSG का रिपोर्ट है इसको पढ़ते हैं। आपको बता दें कि जो HSG का टेस्ट होता है वो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है उनको ऐसे क्लियर करता है, ऐसे फ्लश कर देता है, उनको साफ कर देता है, तो वो प्रेगनेंसी के चांसेस भी बढ़ाता है। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू।